हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर हैं या फिर आप बोल सकते हैं प्राइवेट हैं, उनको यही पता नहीं है कि उनके प्रैक्टिकल का टॉपिक क्या है, जबकि परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली है, क्योंकि 15 जून क्या है लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद 25 जून तक आपकी टाइम टेबल आ सकती है। 25 जून तक प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टाइम टेबल आ सकती है। तो अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपके टॉपिक क्या हैं, तो आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी नहीं बनाया होगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए होंगे तो उनका इनकम्प्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बिल्कुल बना कर रखना है, क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। तो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इंटरनल इस असेसमेंट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं, कोई भी कॉलेज से हों, सारे के लिए ये एप्लीकेबल है। डिपेंड करता है कि आपके अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रैक्टिकल हो सकता है कराए गए हों, लेकिन इन्हीं प्रैक्टिकल में से इन्हीं प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से अलग अलग प्रैक्टिकल अलग अलग कॉलेज में कराए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रैक्टिकल की स्कीम देख लीजिए। मेजर डिसेक्शन 10 मार्क्स का, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन 5 मार्क्स का, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जूलॉजी 5 मार्क्स, एनिमल बिहेवियर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर 4 मार्क्स, स्पॉटिंग जिसमें 4 स्लाइड, 4 बोन्स और 2 स्पेसिमेन दिए जाएंगे 16 मार्क्स का टोटल, वाइवा आपका 5 मार्क्स का है और सेशनल मार्क्स आपके 5 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से टोटल क्या है, ये क्या है, यह आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना है आंसर और आपकी वाइवा होगी। तो सबसे पहले मेजर डिसेक्शन में हम बात करते हैं। यहाँ से मेजर डिसेक्शन की बात करें, मेजर डिसेक्शन में आपको क्या लिखना है, आपको जैसे आपका प्रैक्टिकल फाइल होता है इस तरीके से, तो एक बड़े से पेज में आप यहाँ क्या लिखोगे, बड़े से पेज में लिखेंगे मेजर डिसेक्शन, इंग्लिश में ही लिखेगा सारे लोग। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप लिखना शुरू करेंगे प्रयोग क्रमांक फर्स्ट, इस तरह से। तो प्रयोग क्रमांक फर्स्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रयोग क्रमांक फर्स्ट में, तो इसको लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में बता दे रहा हूँ, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन का मेजर डिसेक्शन करना। डॉग फिश स्कॉलियोडॉन का मेजर डिसेक्शन करना, मेजर डिसेक्शन करना, ये आपका क्या होगा, पहला एक्सपेरिमेंट होगा। क्लियर, प्रयोग क्रमांक फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे प्रयोग क्रमांक सेकंड, इस तरह से। नेक्स्ट दूसरा एक्सपेरिमेंट में आप क्या लिखोगे, दूसरे प्रयोग में आप लोग क्या लिखोगे, दूसरे प्रयोग में आप लोग लिखोगे प्रयोग क्रमांक टू लिखकर कि स्कॉलियोडॉन के, ठीक है, स्कॉलियोडॉन के हार्ट और अफरेंट, हार्ट और अफरेंट ब्रैंकियल, ठीक है, आर्टरीज का मेजर डिसेक्शन करना, मेजर डिसेक्शन करना, ये आपका क्या होगा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर, थर्ड एक्सपेरिमेंट में अगेन स्कॉलियोडॉन के इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, आर्टरीज का मेजर डिसेक्शन करना, मेजर डिसेक्शन
करना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड हो गया। ओके, यहाँ तक सभी लिख लिए हैं। आगे देखिए, फोर्थ प्रयोग क्रमांक फोर में आप क्या लिखेंगे? प्रयोग क्रमांक फोर में आप लोग लिखेंगे, ठीक है, वन मिनट, स्कॉलियोडॉन के क्रेनियल नर्व का मेजर डिसेक्शन करना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर फोर। तो ये आपने चार एक्सपेरिमेंट लिख लिए। इन चार एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक आएगा, चार में से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई भी एक आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये एक मेजर डिसेक्शन क्लियर हो गया। सेकेंड है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन पे क्या करना है आपको? लिखना है। तो एवोल्यूशन में स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हार्श विद द हेल्प ऑफ मॉडल या चार्ट। तो इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? फिर से एक बड़ी इस टाइप का पेज इसमें लिखोगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, ये लिखोगे। और नेक्स्ट में प्रयोग क्रमांक फिर से एक डालोगे, प्रयोग क्रमांक एक, ठीक है। तो इसमें आप लिखना क्या शुरू करोगे? स्टडी, या प्रयोग क्रमांक आप क्या इस तरह से भी डाल सकते हो ना, जैसे चार आगे लिख लिए तो प्रयोग क्रमांक ये पाँच, प्रयोग क्रमांक पाँच, प्रयोग क्रमांक छः, इस तरह से। तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या लिख रहे हो, क्या प्रयोग क्रमांक डाल रहे हो। तो यहाँ नेक्स्ट प्रयोग क्रमांक जो भी होगा आप लिखेंगे कि हार्स के, क्या लिखना है आपको? हार्स के एवोल्यूशन का मॉडल या चार्ट बनाकर अध्ययन करना। ये होगा आपका नेक्स्ट प्रयोग क्रमांक, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रयोग क्रमांक देखते हैं, स्टडी आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ मॉडल या चार्ट। तो आपको क्या लिखना है, ठीक है, ह्यूमन के इवोल्यूशन का मॉडल या चार्ट बनाकर अध्ययन करना या स्टडी करना। ओके, ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए, किससे? एवोल्यूशन पे। तो ये दो प्रयोग लिखना है आपको, और इन दो में से कोई भी एक आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो ये आपका हो गया एवोल्यूशन से 5 मार्क्स का। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी में भी दो लिखना है आपको। तो पहला प्रयोग क्रमांक होगा, आप जो भी आपका प्रयोग क्रमांक होगा कॉपी में आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है नेक्स्ट प्रयोग क्रमांक? सिल्क वार्म के लाइफ साइकिल का अध्ययन करना या स्टडी करना लिख सकते हो। सिल्क वार्म के लाइफ साइकिल का स्टडी करना, ये हो गया आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर अगला एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है? स्वच्छ जलीय, या इसी को आप लोग लिखना फ्रेश वाटर एक्वेरियम का मेंटेन करना, एक्वेरियम को मेंटेन करना, ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वेरियम को मेंटेन करना, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये अप्लाइड जूलॉजी हो गया, दो एक्सपेरिमेंट। यहाँ से भी एक आएगा आपका एग्ज़ाम में, फाइन, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो आपको दोनों को लिखना है। तो ये हो गया आपका अप्लाइड जूलॉजी, 5 मार्क्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर। अब आपको एनिमल बिहेवियर में एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो एनिमल बिहेवियर में एक ही एक्सपेरिमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, वेयर टू फीड डिसीजन मेकिंग इन पिजन। मतलब क्या लिखना है आपको कि जो कबूतर या पिजन, ठीक है,
पिजन, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे कि पिजन, पिजन्स या कबूतर, पिजन्स कहाँ फीड करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग, उनके क्या लिखना है आपको, डिसीजन मेकिंग बिहेवियर का स्टडी करना या अध्ययन करना, स्टडी करना, ये आपका हो गया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक ही एक्सपेरिमेंट है और आपको इसको लिखना है और ये आपका एग्ज़ाम में आएगा जो होने वाला होगा। तो यहाँ एनिमल हो गया, एनिमल बिहेवियर से भी हो गया, तो ऊपर की ये चार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बच गया आपको स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको क्या क्या दिया जाए, तो स्पॉटिंग में स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेंस आपको 10 लिखना है एटलीस्ट, एटलीस्ट इसमें 10 लिखें। तो इसमें से आप छांट लेंगे, ठीक है, स्कॉलियोडॉन, टॉर्पिडो, ठीक है, स्फायरिना, लेबियो, आप देख सकते हैं इसमें जो भी है आपको लगता है आप इसमें 10 लिखेंगे, 10 कॉपीज में, स्पेसिमेंस में यहाँ से आपको 10 लिखना है। स्पॉटिंग में ही स्लाइड, तो स्लाइड ये दिया गया है टॉपिक, फिश स्किन, डियोडेनम, मैमल्स का डियोडेनम, लीवर है, ठीक है, लीवर किसका किसका, एम्फीबिया में से मैमल्स का, ठीक है, एम्फीबिया और मैमल का क्या करना है आपको, लीवर के बारे में लिखना है स्लाइड, ठीक है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आँत में मैमल्स के बारे में लिखना है, ओवरीज में एवीज का हो गया, फिशेज का हो गया और मैमल्स का, टेस्टिस में एम्फीबिया और रेप्टाइल, तो इनका आपको लिखना है स्लाइड स्पॉटिंग में, और बोन्स में पेल्विक गर्डल लिखना है, पेल्विक गर्डल के बारे में, एम्फीबिया के पेल्विक गर्डल के बारे में, रेप्टाइल के, एवीज के और मैमल्स के, पेक्टोरल गर्डल एम्फीबिया के, ठीक है, एवीज के, रेप्टाइल्स के और मैमल्स के, टिबिया फिबुला एम्फीबिया के, एवीज के, रेप्टाइल्स के और मैमल्स के, तो ये क्या हैं, ये आपके बोन्स हो गए। तो ये आपका स्पॉटिंग भी कंप्लीट होता है यहाँ पर, स्पॉटिंग में यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ पूरा कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपका स्पॉटिंग कंप्लीट होता है, स्पॉटिंग जिसमें आपका स्लाइड 4 आएंगे, बोन्स 2 आएंगे और स्पेसिमेन 2 आएंगे, तो टोटल 16 मार्क्स का ये हो गया, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बचता है आपका वायवा, तो आपका ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन वायवा होगा, और वायवा में देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, और बाकी सेशनल 5 मार्क्स क्या हैं आपके सेशनल्स के, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बनाएंगे और सारे टॉपिक्स को लिखेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बेसिस पर आपका क्या हो जाएगा, ये सेशनल्स के मार्क्स एड हो जाएंगे। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। कुछ बातें अब भी आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि कैसे पता चलेगा उन्हें, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको कैसे पता चलेगा, तो जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो क्या करें, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट टीचर के कांटेक्ट में रहें, सब्जेक्ट टीचर के कांटेक्ट में रहें, और SGGU की जो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है उसको देखते रहें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम कब है, ठीक है, ओके, थैंक यू।